नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ और आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं जो आप लोगों ने क्वेरी किए हैं, तो उसके कुछ आंसर्स मैं आपको दे देता हूं। तो अभिषेक जोशी लिखते हैं, सर फ्लाइट टिकट भी फ्री होते हैं क्या या फिर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। नहीं, फ़्लाइट का नहीं मिलता है। अगर आप ऑफिशियल टूर पर हैं और आपका टूर प्रोग्राम सेंक्शन बाय GM है तो आपको फ़्लाइट का मिलेगा, और फिर फ़्लाइट के टिकट आपको खुद नहीं ख़रीदने होते हैं। वो आपका जो GM प्रोटोकॉल है वो टूर प्रोग्राम अप्रूव होने के बाद वहीं से आपको डायरेक्टली टिकट खरीद के फ़्लाइट के दे देता है। या जैसे हम लोग जब सिंगापुर मलेशिया गए थे तो हमारे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट थे वो सारे रेलवे बोर्ड का जो प्रोटोकॉल था उन्होंने ही खरीदे थे। तो उनका अपना जो है वहाँ सेटअप होता है, वो ख़रीद के आपको जो टिकट्स हैं वो ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। तो सिस्टम ये है, और ये फिर इसमें डिस्काउंट नहीं है, टोटल फ्री होता है आपके लिए क्योंकि वही ख़रीद के देते हैं। सोनू सूद तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू सोनू सूद। अभिषेक मिश्रा ने भी तारीफ़ की है कि सर हैवी नवरात्रि, थैंक यू अभिषेक जी। अभय कुमार लिखते हैं, सर मेंटल पीस एंड वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है। आई थिंक थोड़ा सा जो आपका जॉब टाइम टू टाइम रहता है या जिसमें आपको छुट्टियाँ सफ़र नहीं करती हैं, उसमें थोड़ा आपको मेंटल पीस ज़्यादा रहता है क्योंकि आप अपनी छुट्टियों में अपने जो प्रोग्राम से पर्सनल प्रोग्राम वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। और जिनमें जो है थोड़ा सा इस तरह का रहता है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ गई और आपको इमीडिएटली मूव करना है, तो वहाँ थोड़ा सा जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आती है और मेंटल पीस नहीं होती है। जैसे रेलवे में कुछ जॉब TRD या ऑपरेशन के हैं जहाँ की आपका 24/7 ट्रेन चलती है, तो रात में भी कभी कुछ फेलियर होता है तो आपको फ़ोन किया जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा कम्फर्टेबली आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और कुछ जॉब ऐसे हैं जहाँ की आप हेडक्वार्टर में है या कुछ ऐसी पोस्ट पे है जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा रात में स्टोर में डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस को रात में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है और इनका डे टू डे वर्किंग है, तो वहाँ पर थोड़ा इनको मेंटल पीस ज़्यादा रहती है। और इसी तरह कोई डिपार्टमेंट है जैसे CPWD मुझे लगता है या आपका कुछ सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज है जहाँ ऑफिशियल वर्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रात का डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ मेंटल पीस रहता ही होगा डेफिनेटली। और उसके बाद जगदीश राव लिखते हैं, इफ़ ए न्यू GE रिक्रूटेड थ्रू RRB इन ड्राइंग कैडर दैट द सीनियर DE हैज़ द पावर टू चेंज हिज कैडर एंड सेंड हिम टू ओपन लाइन। नहीं, पावर कैडर चेंज नहीं कर सकते। कैडर तो एक बार आपका ड्राइंग का कैडर हो गया तो आपका हो जाता है, और आपका वहाँ पर ड्राइंग की पोस्ट भी फिक्स होती है कि आप उसी पोस्ट पर काम करेंगे, और आपके ट्रांसफर्स जो होते हैं वो आपके PHOD करते हैं जो कि इंटर डिविजनल होते हैं, और डिवीजन में आप रहते हैं तो नॉर्मली डिवीजन हेडक्वार्टर पर रहते हैं, बट एट अ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई बार सीनियर DE आपको अगर ज़रूरत होती है तो फील्ड में भी यूज कर लेते हैं, तो ये सीनियर DE का ज्यूरिडिक्शन है। हालांकि वो आपका कैडर चेंज नहीं करते हैं, बट नॉर्मली ड्राइंग लाइन के जो लोग हैं वो ड्राइंग में ही जो है हेडक्वार्टर जो रहता है आपका डिविजनल हेडक्वार्टर वहीं पर काम करते हैं। हर्षित श्रीवास्तव लगते हैं, सर व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डेपुटेशन। देखिए, डेपुटेशन में जो भी आपको लेगा उसको कुछ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख के लेगा, तो आपके पास कम से कम 4-5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बेसिस पे जो है आप मिनिमम जो है 4-5 साल का रहना चाहिए। और बाकी जो है आप डेपुटेशन पे जाओगे तो आपने कुछ अगर काम किया होगा फील्ड पे तो उसके एक्सपीरियंस के बीच पे आपका हो जाएगा। और नॉर्मली आप सीनियर स्केल जूनियर स्केल में तो लोग नहीं जाते ज़्यादा, बट सीनियर स्केल और जे ग्रेड के बाद लोग जो है डेपुटेशन पे तब तक थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो जाने लगते हैं। तो ये और वहाँ पे पोस्ट जो है आपको यहाँ पे आप जिस पोस्ट पे गए होगे आपकी जितने साल का सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डेपुटेशन पे वहाँ पे जो पोस्ट होगी उतने साल के एक्सपीरियंस पे वो मिल जाएगी। अभिषेक दत्ता लिखते हैं, सर केवल रेलवे वाले IAS डेपुटेशन जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के IAS को मौका नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे IAS को डेपुटेशन का मौका मिलता है, और बाकी डिपार्टमेंट के IAS भी जो दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाते हैं। और रेलवे के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनमें भी मैंने देखा है कि दूसरे डिपार्टमेंट के जैसे टेलीकॉम के जो हैं वो लोग डेपुटेशन पे आए हैं, काम किए हैं, जैसे क्रिस में हैं या RCIL में हैं, तो उसमें जो है दूसरे डिपार्टमेंट के टेलीकॉम वाले भी आके जो है यहाँ पर काम किए हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए ओपन रहता है। हर्षित श्रीवास्तव लिखते हैं, सर डज प्रमोशन इज इफेक्टेड आफ्टर डेपुटेशन पीरियड इन रेलवे। नहीं नहीं, प्रमोशन इफेक्ट नहीं होता है। डेपुटेशन पर आप रहेंगे तो आपका प्रमोशन कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आप यहाँ आएंगे तो आप उस समय आपके जो बैच होंगे उनके साथ ही आप वापस लौटने के बाद जिस पोस्ट पे वो होंगे उसी पोस्ट पे आपको कर दिया जाएगा। इससे कोई आपकी सीनियरिटी या डेपुटेशन पे जाने से सीनियरिटी या प्रमोशन का पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद पुनीत शर्मा लिखते हैं, सर डियर सर प्लीज़ टेल अस अबाउट चैलेंजेस एज IRSC टू टेक शट डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन आवर सेल्फ एज IRSC ऑफिसर और दिस कम अंडर आवर सबऑर्डिनेट। नहीं, ये आपके जो
शटडाउन है या पावर ब्लॉक है, ये आपका एसएससी लेता है। वो एसएससी जो है वो टीपीसी के साथ अपना प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके शटडाउन लेता है, या स्टेशन मास्टर से भी जो बात करता है, वो सारी एक्टिविटी जो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है वो, या सेक्शन इंजीनियर वो करता है, या जूनियर इंजीनियर, जनरली ऑफिसर्स नहीं करते हैं। पुलिस शर्मा का क्वेश्चन है, सर गुड इवनिंग सर, सर एज यू टोल्ड योर फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईआरएसएस, सो आईआरएसएस इज रियली दिस मच हैक्टिक, इफ इट इज हाउ मच टाइम फॉर हाउ मच टाइम सर डू आईआरएस ऑफिसर गेट ए चांस टू वर्क इन स्टोर सर्विस और रेलवे रिसर्च डिपार्टमेंट। नहीं, आईआरएससी में आप चले गए तो फिर स्टोर में काम करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आईआरएस में साथ जाएगा तो उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी वी कांट से, लेकिन अभी तो आईआरएस डबल ही है तो आप इलेक्ट्रिकल और एसी में काम करते हैं नॉर्मली, और स्टोर वाले अलग ही होते हैं जो स्टोर में डायरेक्टली आप वहाँ से सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी आईएएस के थ्रू। तो आईआरएस डबल ही को स्टोर में चांस नहीं मिलेगा, और रेलवे रिसर्च में आप जा सकते हैं, आरडीएसओ में आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक इनका क्वेश्चन था कि डेपुटेशन पर जो जाते हैं उसमें कितने साल के लिए, नॉर्मली 3 से 5 साल के लिए जाते हैं, और इसके बाद आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 2 साल का, तो उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, कितने भी बार जा सकते हैं, इसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। और आईआरएस डबली में थोड़ा लाइफ हैक्टिक होता है क्योंकि 24/7 आपको इंक्लूड रहना पड़ता है जॉब में, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो अटेंड करना पड़ता है, एक्सीडेंट साइट पर जाना पड़ता है, वो आईआरएसएस में कम्फर्टेबली कूलर है ये, और टाइम टू टाइम जॉब रहता है। अभिषेक यादव सर, कैन यू प्लीज से अबाउट इंडियन टेलीकॉम सर्विस पीएनटी बिल्डिंग वर्क सर्विस। यस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस में काम किया हूँ तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें मेनली जो है आपका मेंटेनेंस विंग होती है और प्रोजेक्ट विंग होती है। प्रोजेक्ट विंग में मैंने काम किया है ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में, और ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशंस हैं प्लस केबलिंग ट्रेंचिंग, उसके बाद आपका जो है केबल क्या पहले डिगिंग होती है, केबल ले करते हैं, उसके बाद उसके अंदर केबल डाली जाती है, फिर उसकी जॉइंटिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, उसके बाद आपका इक्विपमेंट इंस्टॉलेशंस होता है। तो ये सारा काम जो है ओएफसी प्रोजेक्ट में होता है, और बाकी भी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है उनकी रिलेटेड वो भी होती है। एक माइक्रोवेव विंग भी होती है जो माइक्रोवेव से रिलेटेड देखती है, एक सर्वे विंग होती है उसमें प्रोजेक्ट में सर्वे देखती है, बाकी आपका जो सिटी की जो आपकी टेलीफोन की व्यवस्था रहती है उसको देखने के लिए अलग विंग होती है, इलेक्ट्रिकल की विंग अलग होती है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस वगैरह का जो काम देखती है, जो आपके डीजी सेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, उस सबसे रिलेटेड जो वर्क होती है वो उसका इलेक्ट्रिकल विंग देखती है। पीएनटी बिल्डिंग वर्क्स मतलब जो भी पीएनटी की बिल्डिंग बनती है उनमें जो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होता है, जो सबस्टेशंस होते हैं, जो आपके टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं, उससे रिलेटेड जो पावर सप्लाई होती है, इमरजेंसी पावर सप्लाई का अरेंजमेंट होता है, तो वो सारा जो है वो इलेक्ट्रिकल विंग देखती है बेसिकली। और इनकी पोस्टिंग भी अच्छी रहती है, अच्छे प्लेसेस पर रहती हैं, तो इसमें एक अच्छा ही ये है, मतलब आपको बढ़िया सिटी में पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद महेंद्र नोगिया ने थैंक्स किया है मिस्टेक्स वाले वीडियो पे, जो कि मिस्टेक नहीं करनी है, करेक्ट प्रोफेशनल्स में, थैंक यू महेंद्र। और वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे आपकी लाइफ डिसाइड होती है, इसलिए इसको आप सोच समझ के भरिए। सिविल इंजीनियरिंग वाले एक लिखते हैं कि सर नाइस सर, आप ऐसे ही बताते रहे, थैंक यू सिविल इंजीनियरिंग जो भी जिसका भी है ये आईडी। और खास कुशाग्र लिखते हैं सर, प्लीज़ अरेंज योर वीडियो एंड प्लेलिस्ट व्हेन यू आर इन फ्री, दे आर वेरी यूजफुल, फॉर सम टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक। नहीं, आप ढूंढिए, उसमें आप डाल दीजिए रिसर्च में तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मैं देखता हूँ उसको, आपका सजेशन जो है मैं देखता हूँ। कृष्णा अभिषेक लिखते हैं लव यू सर, ओके थैंक यू। राम सिंधे लिखते हैं सर हाउ मेनी टाइम सम टाइम गो फॉर डेपुटेशन, ओनली वंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जा सकते हैं, उसके बाद आप 3 साल के डेपुटेशन पे गए या 5 साल के, तो उसमें आप एक्सटेंड हो सकता था, हो जाता है, उसके बाद आप वापस आ गए, उसके बाद अपना कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो 2 साल का वो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप दोबारा फिर डेपुटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार नहीं, आप बार बार भी जा सकते हैं। राम सिंधे कहते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। सत्यम दास कहते हैं सर परमानेंट ऑब्जर्वेशन का क्या फ़ायदा। नहीं, परमानेंट ऑब्जर्वेशन का ये फ़ायदा है कि फिर आपको 5 साल बाद यहाँ वापस नहीं आना होता है। कुछ लोगों को वहाँ की लाइफ अच्छी लगती है, वहाँ का सब चीज़ ठीक लगती है, तो लोग जो है परमानेंटली वहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं। और उसके बाद आप पीएस इसमें डेपुटेशन पर भी जो है आपका 60 ईयर्स के बाद भी आप 62 तक काम करते हैं, और उसके बाद भी आप और 65 तक लोग काम करते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो वो एक एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पर जाके। और फिर वहाँ पे भी जो हायर पोस्ट होती हैं किसी को मिल जाती हैं, जैसे तो फिर सीएम कोई चेयरमैन बन गया है, या तो वो फिर वहीं पे ज़्यादा पावर एंजॉय करता है, तो उसको लगता है कि वहाँ से वापस रेलवे में आएंगे तो
उतना पावर शायद इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी कई लोग प्रेफर करते हैं। कई लोग सिटी का प्रेफरेंस होता है, जिस सिटी में मान लीजिए आप कहीं रिपोर्टेशन पे गए हैं DMRC में, आपको दिल्ली में रहना है, तो आप फिर वापस नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि रेलवे में वापस आएंगे तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी जहाँ जगह खाली होगी उस जोन में, तो लोग फिर वहाँ परमानेंटली ऑब्जर्व हो जाते हैं, तो उनको वो सिटी का जो में रहने का एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा है जिसकी वजह से लोग जो है परमानेंट ऑब्जर्व हो जाते हैं। विनय यादव कहते हैं सर थैंक्स है। टेक्निकल हिरन कहते हैं सर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने पे कुछ प्रॉब्लम? हाँ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने पे देखिए ECG होती है, ECG में आपका देखा जाता है हार्ट बीट्स वगैरह सही ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही। अगर ECG में कुछ प्रॉब्लम होगी मेडिकली तो फिर नॉर्मली जो है आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है हार्ट रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। राजा कुमार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजा। गुड्डू नायक लिखते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू गुड्डू। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन फ्यूचर रेलवे प्रोजेक्ट एंड रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन रेलवे प्रोजेक्ट। फ्यूचर बहुत सारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय इलेक्ट्रिकल साइड में, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ही जनरली जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है CPD, जो कि SAG रैंक की पोस्ट है, और उसके अंडर में बहुत सारे डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं जो कि अपने अपने एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क देखते हैं। और ये विंग जो है पूरी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रयागराज में है उसके अंडर में आती है, और उसके CPD के बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया जो है डिफरेंट प्लेसेस पे CPD का ऑफिस है, करीब 10-12 CPD हैं, और फिर उस वो जो है सारी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोजेक्ट्स देखते हैं। उनके अंडर में DPTC होते हैं, फिर DE होते हैं, और XEN होते हैं, AEN होते हैं, तो ये सब जो है देखते हैं अपना। तो ये विंग पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन देखती है, स्टार्ट फ्रॉम सब स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन होता है, SPSSP बनते हैं, उसके बाद आपका जो है सारे रूट का सर्वे होता है, फिर मास्ट लगाए जाते हैं, मास्ट के बाद फिर ओवरहेड इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, फिर वायरिंग की जाती है, तो ये सारी एक्टिविटी होती है, उसका टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, फिर वो कम्प्लीट हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट। तो ये है, मैंने भी एक प्रोजेक्ट मानसी सहरसा मधेपुरा का जब मैं समस्तीपुर में था उस दौरान कराया था, तो उसके बारे में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है उसका मुझे आइडिया है। एंड जो मेरी आई थिंक मेरी जर्नी इन का जो आएगा पार्ट, आगे के पार्ट आएंगे उनमें आपको ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, या सेपरेटली भी मैं इस अपना एक्सपीरियंस जो है मैं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का वो शेयर करूँगा आपके साथ। आकांश श्रीवास्तव लिखते हैं सर प्लीज़ डिस्कस हाउ टू जॉइन टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी का निकलता है नोटिफिकेशन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जनरली एक महीने की ट्रेनिंग होती है, साल में उसमें जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारी कैंप में रहना पड़ता है मिलिट्री कैंप में, फिर वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह जो PT वगैरह होता है उनके बहुत सारे, और वॉकिंग वगैरह होती है बहुत सारी, और जो आर्मी की एक्टिविटी है वो होती हैं, और उसमें आप एक महीने के लिए वहाँ रहते हैं और उसके बाद आप वापस रेलवे में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति टेरिटोरियल आर्मी कोई भी ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभिषेक सिंह थैंक्स, थैंक यू अभिषेक। सार्थक सक्सेना लिखते हैं सर आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, कौन से पोस्ट पर? मैं अभी तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ, वैसे मैं IRSEE, बट जो है अभी मेरा जो है CSO इलेक्ट्रिकल में काम चल रहा है, तो ये है बेसिकली। आई एम वेटिंग फॉर माई SAG। सुई क्यू लिखते हैं रेलवे की पोस्ट विड्रॉ के बाद ESC वर्सेस स्टेट है ही नहीं, ESC तब भी बेटर है, रेलवे की पोस्ट विड्रॉ करने से ESC ख़राब नहीं हो जाता है, ESC स्टिल ESC, उसमें बहुत सारा CPWD बहुत अच्छा है, उसके बाद आपका AEPNT बहुत अच्छा है, उसके बाद आपका और भी डिपार्टमेंट MES है वो भी बहुत अच्छा है, तो स्टेट AE का जो प्रमोशन है उसके कंपेरिजन में तो ESC के प्रमोशन फास्ट ही रहेंगे भले ही रेलवे बाहर भी हो जाए, तो बाकी डिपार्टमेंट भी जो है रेलवे के वो भी जो है बाकी डिपार्टमेंट हैं जो ESC में हैं वो भी बहुत बेटर हैं, और स्टेट AE के कंपेरिजन में ESC तब भी बहुत अच्छी है, और ESC की तैयारी करिए आप लोग, डैट्स वेरी गुड। सैलरी ड्यूरिंग रिटायरमेंट, हाँ हाँ कोई पूछ रहे हैं, सैलरी रिटायरमेंट के बाद आपको 50% जो पेंशन होती है वो मिलती है, और अभी तो पेंशन नहीं मिल रही 2004 के बाद, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हम लोगों के टाइम पर जो OPS था ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें 50% ऑफ द सैलरी जो लास्ट राउंड होती है वो पेंशन के रूप में आपको मिलती है, प्लस आपको उस पर DA भी मिलता है, तो इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, यहीं जुड़े रहिए, और अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।